तो गाइजर ये है एक हॉट एयर बलून और मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर खड़ा है और मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। पर आज जो हम काम करने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। हम चुराने वाले आज बहुत सारी फॉर्चुनर्स उस खतरनाक से फॉर्चुनर वाले शोरूम से। फॉर्चुनर गाड़ी मुझे लगती है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, इसलिए हम जाने वाले सारी गाड़ियां चुराएंगे जितनी भी शोरूम में होगी। फटाफट से पैराशूट खोल लेते हैं, मस्त सी लैंडिंग करेंगे और सारी फॉर्चुनर चुराएंगे। अरे कमर में लग गई, कोई बात नहीं, कभी कभी गलत लैंडिंग भी हो जाती है। तो अभी फॉर्च्यूनर के शोरूम के बाहर हम आ चुके हैं और आप सामने देख सकते हो कितनी सारी फॉर्च्यूनर खड़ी है, 1, 2, 3, 4 और भी बहुत सारी हो सकती है। तो हम जाएंगे अंदर, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं सारी की सारी फॉर्च्यूनर जितनी भी अंदर होगी सारी की सारी चुराएंगे। तो गाइज़र हम बिल्कुल तैयार है और हम जाने वाले सीधा फॉर्च्यूनर के शोरूम में और हमें चोरों की तरह घुसने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ना ही हमको जानते ना हम इनको जानते। अंदर तो मैं आ चुका और यहाँ पे बहुत सारी फॉर्च्यूनर्स खड़ी मुझे दिख रही है। भैया एक पानी ला दो और फटाफट से मैनेजर को बुला दो। ये गाड़ी मैं ही हूँ यहाँ का मैनेजर। क्या तुम मैनेजर हो? ये कैसा बन के घूम रहे हो? जल्दी बोलो क्या काम है। अरे काम क्या, मुझे तो फॉर्च्यूनर खरीदनी है। सबसे अच्छी फॉर्च्यूनर कौन सी आपके पास? यहाँ पर तो सारी फॉर्च्यूनर सी बहुत अच्छी है, बताओ कौन सी चाहिए। मुझे कौन सी चाहिए देखने तो कौन सी चाहिए। यहाँ पे ये ग्रीन कलर की है, पिंक कलर की और एक बेबी पिंक भी है, लगता है ये बारबी वाला एडिशन है, और मैरून कलर भी है। एक सेकेंड, गाड़ी खरीदने से पहले मैं टेस्ट ड्राइव लेना चाहूंगा। मैनेजर साहब मुझे चाहिए एक टेस्ट ड्राइव। ओके ओके मैं तुम्हें टेस्ट ड्राइव में लेके चलता हूँ, गाड़ी में बैठ जाओ। फटाफट से बैठते हैं मैट ग्रीन खतरनाक फॉर्च्यूनर में। और गाइजर आपको तो याद होगा हम यहाँ पे चुराना है ना कि खरीदने, तो फटाफट से इस गाड़ी को लेके यहाँ से निकलते हैं। ए मेरी बात सुनो, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ टेस्ट ड्राइव पे। अरे यार ये कहाँ से आ गया, क्या बोला? हाँ मतलब कोई बात नहीं, बैठो बैठो। चलो गाइजर अभी अंकल हमारे साथ बैठ चुके, फटाफट चलते इसको लेके टेस्ट ड्राइव पे। रुको 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 बस यहाँ तक ही जा सकते हो। क्या बस इतनी सी टेस्ट ड्राइव, इतने में तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। रुको अंकल मैं बताता हूँ टेस्ट ड्राइव किसको कहते हैं। चलो गाइजर फटाफट से हमारे मैके अंकल को दिखा दे टेस्ट ड्राइव किसको बोलते हैं। ए मैं मैनेजर हूँ। हाँ हाँ मेरा मतलब है वही मैनेजर। तो गाइजर फटाफट से गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं। अरे भैया थोड़ा धीरे चलाओ, क्या हमारी गाड़ी टूटोगे क्या? अरे इसी को तो टेस्ट बोलते हैं, फॉर्च्यूनर का टेस्ट करना जरूरी। अबे दिखा दो। अरे बच्चा अरे बाबा, एक सेकंड के लिए तो मुझे भी डर लग गया था, पर कोई बात नहीं गाड़ी कंट्रोल में आ चुकी है। चलो गाइजर अब इनको दिखाते हैं असली टेस्ट ड्राइव। अरे भैया पानी में नहीं जाना, भैया भैया रोको रोको। अरे आप टेंशन मतलब मेरे पूरे कंट्रोल में, वैसे गाड़ी मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही। अबे कहां जा रही है गाड़ी, आराम से आराम से। अरे भैया आप गाड़ी से उतरो, कैसे गाड़ी चलाते हो? अभी फिलहाल तो आप गाड़ी से उतरो, ये गाड़ी यहाँ पे छोड़ो और फटाफट यहाँ से निकलो वरना बहुत ही बुरा होने वाला है। क्या कर लोगे तुम? फ्रैंकलिन हम आ गए, बहुत बढ़िया मेरे चॉप कुत्ते, अब बोलो। अरे ये तो चीटिंग है, इतने सारे कुत्ते, मेरे कुत्ते चॉप और उसके दोस्तों। 3, 2, 1 शू 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 अटैक। आओ मैं तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ए हड्डी पसली मैं तेरे को खा जाऊंगा। अरे मुझे बचाओ, काट लिया। बहुत बढ़िया चॉप, खा जा इसको पूरा खा जा। तो गाइज़र हमारा प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, इस मैनेजर को हमारे सारे कुत्तों ने खा लिया और एक फॉर्च्यूनर हमें मिल चुकी है। और आपको याद होगा उस शोरूम में और भी बहुत सारी फॉर्च्यूनर थी, तो मुझे वो सारी की सारी चाहिए, एक भी नहीं छोड़ूंगा। और ये गाड़ी से मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हर जगह चढ़ जाती है। चलो फटाफट चलते और अगली फॉर्च्यूनर चुरा के लाते हैं। चलो गाइस अभी हम शोरूम पे पहुंचने वाले हैं, आपको तो पता है मैनेजर को तो मार दिया था। और तो एक सेकंड, ये तो मिलिट्री वालों की गाड़ी है, मैंने सोचा था सारी के सारे हमारे कठिनाइयां जा चुकी है, हमने मैनेजर को मार दिया, पर एक सेकंड लगता है अंदर तो मिलिट्री आ चुकी है। पर ये मिलिट्री वाले यहाँ पे क्या करना है? और सामने मिलिट्री वाले मुझे दिख भी रहे और यहाँ पे तो बहुत ही सारे मिलिट्री वाले। और एक काम करता हूँ मैं मैनेजर बन जाता हूँ शोरूम का। आइए सर कैसे हो आप, कैसे हो आप, बोली बोली क्या चाहिए? कैसे हो तुम काले लड़के, मैंने फॉर्च्यूनर गाड़ी के बारे में बहुत नाम सुना है, वो बहुत ही अच्छी गाड़ी है, तो मुझे भी एक चाहिए, फटाफट से तड़कता भड़कता कलर ला दो मेरे लिए। क्या आपको फॉर्च्यूनर चाहिए? अरे गाइस अगर इन्होंने फॉर्च्यूनर ले ली तो मैं क्या लेके जाऊंगा? क्या हुआ कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी क्या भी लेके आता हूँ। ये लो सर आपकी खतरनाक सी तड़कती फड़कती कलर वाली फॉर्च्यूनर। अरे वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मुझे ये वाली गाड़ी अच्छी लगी, मुझे इसकी टेस्ट ड्राइव करनी है। क्या आप भी टेस्ट ड्राइव, मतलब आप भी? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे इसकी टेस्ट ड्राइव लेनी है क्योंकि मुझे इसे खरीदना है। हाँ, मेरा भी मतलब वही था, आपको इसकी टेस्ट ड्राइव लेनी है। ले लो। अरे बच गया, मुझे लगा इनको भी गाड़ी चुरानी है। हाँ अंकल फटाफट से बैठ जाओ। आखिरकार मैं भी फॉर्च्यूनर चला पाऊंगा, कितनी ज्यादा अच्छी गाड़ी है, रुको मैं टेस्ट ड्राइव करके आता हूँ। हाँ ठीक है जाओ। रुको यार गाइस मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, मुझे इस गाड़ी को चुराना है, मैं किसी को भी वो गाड़ी दे नहीं सकता। और ये अंकल तो चले भी गए। रुको मेरे पास
का आइडिया है, चलो 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 फटाफट चलते, मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आइडिया है। यहाँ पे अभी मैं आ चुका हूँ, फटाफट से कूदते हैं। अंकल आ रहा हूँ मैं, आराम से आराम से आराम से अंकल के पास जाना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया, अरे बच्चे ये क्या कर रहे हो, आओ गाड़ी में बैठ जाओ। सर गाड़ी से बाहर निकलो वरना गोली मार दूंगा। अरे ये क्या कर दिया मैंने, अरे मैं तो डराने वाला था, ये तो गलती से गोली चल गई, ये मैंने क्या कर दिया, मिलिट्री के हेड को मार दिया। पर कोई बात नहीं, फॉर्च्यूनर तो हमें मिल चुके, चलो फटाफट से इसको लेके यहाँ से निकलते उससे पहले कि कोई मुझे देख ले। हमारे सर को किसने मारा, मुझे लगता है उस काले मैनेजर ने मारा होगा हमारे सर को। अरे नहीं नहीं मैंने नहीं मारा, इनको तो मेरे बारे में पता चल जाएगा, वो काला शक्ल से चोर लग रहा था। जल्दी से हाई कमांड में फोन लगाओ और उस काले को ढूंढने की तैयारी करो। क्या हाई कमांड, अरे यार मुझे जेल नहीं जाना, और अगर ये मिलिट्री वाले पकड़ेंगे तो ये तो बहुत ही ज्यादा मारेंगे, फिर उसके बाद जेल भेजेंगे। रुको रुको मेरे पास एक खतरनाक सा आइडिया है, उसमें रिस्क बहुत है पर करना तो पड़ेगा। इन सारे मिलिट्री वालों को मैं इधर से बाहर ही निकलने दूंगा। क्या हाई कमांड को बुलाएंगे, मैं तो दे खत्म करने वालों सारे मिलिट्री वालों को, इनके ऊपर मारूंगा गरम गरम पानी। ये लो। अरे ये क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, होली मना रहे। होली नहीं मना रहे, हम तुमको खत्म करने आए, पुराना मानो होली है। तो फटाफट सारे मिलिट्री वालों पे डालेंगे हम गरम गरम पानी, ताकि ये सब के सब लेट जाए, बेहोश हो जाए और मेरे बारे में बस कैसे भी करके भूल जाए। सारे मिलिट्री वालों को सुनाना पड़ेगा इस पानी से, ये गरम गरम पानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, किसी के ऊपर भी इतने प्रेशर से पड़ेगा तो वो आराम से बेहोश हो जाएगा। मैंने लगभग सारे मिलिट्री वालों को यहाँ पे बेहोश कर दिया, ये देख सो सब के सब जने बेहोश हो चुके। तो यही टाइम है सारी फॉर्च्यूनर यहाँ से निकालने का, भाई ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हैं। चलो गाइस एक काम करते हैं, ये क्रोम वाली निकालते हैं, ये डायमंड जैसी चमकती चमकती फॉर्च्यूनर को यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अच्छी मुझे लग रही थी, तो पहले इसी को निकालते हैं फटाफट से। चलो और गाइस हमने क्रोम डायमंड वाली खतरनाक सी फॉर्च्यूनर को बाहर निकाल लिया, पर अभी भी अंदर तीन तीन फॉर्च्यूनर और बाकी जो कि हमें चुरानी है। तो गाइस अभी मैं वापस से यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ लग चुकी है। यहाँ पे चल क्या रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इतनी सारी भीड़ कैसे हो गई। एक सेकंड, यहाँ पे तो पुलिस वाले आ चुके हैं। अरे पुलिस वाले सर यहाँ पे चल क्या रहा है वैसे। यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री वालों को मारा, और जो लॉस सैंटोस मिलिट्री हेड है उनको भी मारा गया है, हम पता कर रहे हैं किसने मारा है, इसलिए इस जगह को सीज कर रहे हैं। छी 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 कितने गंदे गंदे लोग है, मिलिट्री वालों को मार। कौन मारा है, कौन मारा है, पता नहीं कौन मारा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, इतने सारे लोग है कौन मारा है इनको। ये लो सबको मार दूंगा। ए चुपचाप साइड हो जाओ, पीछे हो जाओ, कोई भी सामने आना उसको गोली मार दूंगा। अरे भैया ये क्या कर ले हो तुम, पागल हो गए हो क्या। मैं पागल हूँ और मेरा दिमाग भी खराब है। चलो गाइस सारे पुलिस वालों को मैंने मार दिया, अब कोई भी यार फॉर्च्यूनर के शोरूम को सीज नहीं कर सकता, तुम में से कोई भी अंदर नहीं आएगा। और अभी आप देखो यहाँ पे तीन तीन फॉर्च्यूनर हमारी बाकी है, और मेरे पास एक आइडिया है। बाहर मैंने देखा था कि एक ट्रेलर खड़ा है, तो मैं दो गाड़ियां उसमें डालूंगा, कम से कम दो फॉर्च्यूनर तो उसके अंदर आ ही जाएगी। फटाफट से ट्रेलर के अंदर ये सारी फॉर्च्यूनर को फिट करते हैं, फिर ट्रेलर को यहाँ से लेके उड़ जाएंगे। चलो गाइस एक फॉर्च्यूनर हमने डाल दिया, फटाफट से दूसरी वाली को भी डालते हैं, उससे पहले कि यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले आ जाए, कि मैंने यहाँ पे पुलिस वालों को मारा है, मिलिट्री वालों को मारा है, और लॉस सैंटोस के मिलिट्री हेड को मारा है, और उस मैनेजर को भी तो मारा था। बहुत सारे लोगों की हत्या यहाँ पे हो चुकी है, पर कोई बात नहीं, फटाफट इस वाली गाड़ी को भी अंदर डालते हैं। और यार हमारी दोनों फॉर्च्यूनर बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर आ चुकी है। चलो 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 फटाफट से यहाँ से निकलते, दो दो फॉर्च्यूनर और हमने चुरा लिए, एक पिंक और एक व्हाइट। और गाइस वो आखिरी बेबी पिंक मतलब बार्बी वाली कार बाकी है, उसको भी हम चुराने जाएंगे, उससे पहले इन दोनों गाड़ियों कहीं पे सेफ रख के आते हैं। आला रे आला सिम्बा आला, आ गया हूँ मैं पुलिस वाला गुंडा, आ चुका हूँ मैं, सब लोग साइड हो जाओ क्योंकि सारे केस सॉल्व करने में आ चुका हूँ। इनको कोई बताना मत, मैं फ्रैंकलिन हूँ। हाँ हट जाओ हट जाओ, भाई इतनी सारी भीड़ क्यों है, चुपचाप सबके साथ पीछे हो जाओ। सर मैंने आपको कहीं पे देखा है। अरे टीवी में देखा होगा, मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करता हूँ। चुपचाप अभी सबके साथ पीछे हो जाओ, कोई भी सामने आएगा तो उसको सीधा गोली मार दूंगा, क्योंकि मैं हूँ एक पुलिस वाला और पुलिस वाले के सामने कोई नहीं आएगा। तो गाइस सारे लोगों को बाहर रोक दिया, अगर उनको पता होता कि मैं फ्रैंकलिन तो बहुत बुरा मारने वाले थे, पर कोई बात नहीं, इस फॉर्च्यूनर को यहाँ से उठाते हैं। और गाइस अब जब जा ही रहे तो क्यों ना कुछ खतरनाक किया जाए। फटाफट से पूरे के पूरे फॉर्च्यूनर के शोरूम में मैं फेंकने वाला हूँ ये खतरनाक खतरनाक स्टिकी बॉम्ब, और फिर तो आपको पता ये क्या होने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। पहले बहुत सारे बॉम्ब में फेंकेंगे, सारे सबूत भी हमारे मिट जाएंगे, और बूम, और गाइस पूरे शोरूम को हमने उड़ा दिया। फटाफट से यहाँ से निकलते, आखिरी फॉर्च्यूनर भी हमें मिल चुकी है, जो कि है बार्बी फॉर्च्यूनर। तो गाइस देख लेते हैं हमने कौन कौन सी खतरनाक खतरनाक फॉर्च्यूनर यहाँ पे चुराई है, बार्बी वाली, फिर एक पिंक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर एक और गोल्डन क्रोम खतरनाक सी डायमंड वाली फॉर्च्यूनर। मुझे तो सबसे ज्यादा खतरनाक क्रोम वाली लगी, आपको सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी लगी फटाफट से कमेंट करके बता देना, ब्लैक व्हाइट पिंक बेबी
एनीथिंग, जो भी अच्छा लगा फटाफट से बता देना। और गाइस आज की बर्थडे भी थे, अगर आपको अच्छी वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बता नहीं सही वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और ट्विटर डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाकर जॉइन फॉलो करना, वहां पे बैठ के मस्त मस्त बातें करेंगे। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।